सिद्धार्थनगर जनपद के प्राइवेट डॉक्टर संगठित होकर प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के बैनर तले इटवा व बरनी यूनिट की गठन और बैठक हुई। वही प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के माध्यम से जिले में हो रहे प्राइवेट डॉक्टर के ऊपर व अत्याचार व शोषण को रोकने के लिए समाज हित में देश सेवा की भावना से एसोसिएशन का गठन किया गया। वहीं प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉक्टर नियाज अहमद व उपाध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अरशद की अगुवाई में इटवा व बरनी के पदाधिकारी का गठन कर फूल माला व प्रशस्ति पत्र देकर आए हुए डॉक्टर का सम्मान हुआ। प्राइवेट डॉक्टरों के हितों की बात करते हुए संगठन को मजबूत बनाने को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने कहा कि भगवान का रूप है और सेवा भाव से डॉक्टर को मरीजों का इलाज करना चाहिए। पूरे जनपद में से आए हुए प्राइवेट डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। इटवा व बरनी नई कार्यकारिणी का गठन करने के बाद सभी को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र फूल माला पहनाकर एक दूसरे का स्वागत हुआ। प्राइवेट डॉक्टर एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष डॉक्टर सबनम याहिया ने कहा कि महिलाओं को प्राइवेट डॉक्टरी में पैसे काफी देने में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जाए कि हम एक संगठित डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, हम लोगों को किसी गलत तरीके से प्रताड़ित न किया जाए। हम लोगों की जाँच पड़ताल समय समय पर होती रहती है, जो उचित तरीके से हो। हम तमाम अपने अधिकारियों को इस माध्यम से कहना चाहेंगे कि हमारे संगठन की जो कुछ बातें हैं उसको सुनी जाएं। सिद्धार्थनगर से जनमत न्यूज़ के लिए धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।